जय हिंद फ्रेंड्स आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन एयरफोर्स पे तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी ने लास्ट वीडियो में आपने बताया था फिल इन द ब्लैंक्स प्रीपोजिशन और जो के नॉन वर्बल का सेक्शन है इस पे और जीके की कंटिन्यू सीरीज रखने के लिए आपने बोला था मैंने आपसे सजेशन मांगे थे वीडियो के लिए तो जैसा कि आपने बोला नॉन वर्बल के क्यूशंस तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपके लिए नॉन वर्बल के क्वेश्चन का पार्ट वन ले आया हूँ और जैसा कि आपके वाई ग्रुप के एग्जाम में फाइव क्वेश्चन के होते हैं फोर से फाइव क्वेश्चन होते हैं कम से कम आपके चार क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम पांच से छ क्वेश्चन भी आ सकते हैं तो फ्रेंड्स जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन सीरीज से आ जाएं तो सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जितने भी प्रकार के टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है इसमें आपको नेक्स्ट जो फिगर है वो बतानी है यानी ये सीरीज वाला क्वेश्चन है और इसमें आपको ऊपर जो सीरीज दी गई है इसमें से ऑप्शन वाली सीरीज जो है आंसर फिगर इनमें से आपको बताना है कि नेक्स्ट फिगर कौन सी होगी तो फ्रेंड्स आप अपना आंसर चूज कीजिए वीडियो को पहुंच करके तो आपको दिया गया है क्वेश्चन फिगर और आंसर फिगर तो यहाँ पे आपको अपना आंसर चूज करना है कि क्या आपका करेक्ट आंसर है तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या है कि जो सबसे पहले जो पहली आकृति दी गई है इसमें जो नीचे वाला एरो है इस एरो में जो पीछे वाले डॉट है ये अगले में यहाँ पे नेक्स्ट फिगर में इसे उठा दिया गया है इस डॉट को फिर क्या है कि जैसे ये नेक्स्ट फिगर में जाता है तो ये जो एरो का निशान है आगे वाला ये भी इसमें से हटा दिया जाता है तो ये यहाँ पे इस प्रकार से ये हो जाता है सिंपल वाला फिर क्या है कि ये जब ये इससे भी आगे नेक्स्ट फिगर में जाता है तो ये जो लाइन है ये भी यहाँ से रिमूव हो जाती है तो ये रिमूव हो जाती है तो अब क्या होगा कि ये लाइन जो है वो रिमूव हो चुकी है तो अब जो नेक्स्ट लाइन है इसमें से जो पॉइंट है फर्स्ट वाला ये पॉइंट इसमें यहाँ पे अट जाएगा नेक्स्ट वाली फिगर में तो ऐसा ही यहाँ पे है इसमें ये जो पॉइंट है पीछे वाला ये यहाँ पे रिमूव हो चुका है तो अब क्या करेंगे इस सीरीज में इसे चलाते हुए जो आपका नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है ये वाला राइट right वाला जो पॉइंट है इसे यहाँ पे रिमूव कर देंगे तो इसे जब यहाँ पे हम रिमूव करेंगे तो आपके पास ये सिंगल वाला लाइन बच जाएगी जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है इसलिए जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन नंबर डी तो यहाँ पे इस प्रकार से वन डॉट को रिमूव कर रहा है नेक्स्ट फिगर में ये लेफ्ट से चलता है सबसे पहले लेफ्ट वाले को फिर राइट right वाले को फिर यहाँ पे एक लाइन को रिमूव करता है और फिर लेफ्ट वाले को और फिर राइट right वाले को तो इस प्रकार से यहाँ पे रिमूव हो रहा है और जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन तो है आपका मिरर इमेज से लेकिन उससे पहले ये बात बोल दूं मैं आपको कि जो आपके डिमांड्स हैं वो सभी यहाँ पे पूरी की जाएंगी और जो जिस पे भी आपको वीडियो चाहिए नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो मैं आपके बताए हुए टॉपिक पे वीडियोज जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा तो फ्रेंड्स आपको भी क्या करना है कि आपको अपने पूरे मन से वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है और आपको मेरा सपोर्ट करना है तो फ्रेंड्स आपको शेयर करने में बिल्कुल भी यहाँ पे कंजूसी नहीं करनी है तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपका नॉन वर्बल का तो इसमें आपको मिरर इमेज यहाँ पे बतानी है तो मिरर दिया गया है आपको लेफ्ट साइड में तो आपको बतानी है कि ऑप्शन में से क्या यहाँ पे करेक्ट मिरर इमेज इसकी होगी तो देखिए फ्रेंड्स इसकी जो मिरर इमेज होगी करेक्ट वाली वो होगी आपकी यहाँ पे देखिए कि ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा है यहाँ पे राइट right में आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में जो इमेज दी गई है वो आपकी मिरर इमेज यहाँ पे हो जाएगी तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी और सी में क्या डिफरेंट है? है ये जो लाइन है ये यहाँ पे तिरछी लाइनें हैं तो ये तिरछी ही रहेंगी यहाँ पे इसमें सीधी लाइनें दे दी गई हैं तो इस ये डिफरेंट है इन दोनों में तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चूज डिफरेंट डिफरेंट पे आपको आउट चूज़ करना है तो एक क्वेश्चन ऑड वन आउट से भी आपका कंफर्म आता है एग्जाम में तो इसमें आपको डिफरेंट चूज करना है ऑप्शन आपको दी गई है तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए ये जो ए वाली आकृति है ये डिफरेंट हो जाएगी ये किस प्रकार से डिफरेंट है तो देखिए फ्रेंड्स जो ऑप्शन बी सी और जो डी दिया है इसमें ये जो आकृति है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है पहला ऊपर और नीचे ऊपर वाला और नीचे वाला दो पार्ट्स में डिवाइडेड है जबकि जो ऑप्शन नंबर ए में आकृति दी है वो एक ही पार्ट में यहाँ पे जुड़ी हुई है तो इसलिए ये वन आउट यानी डिफरेंट हो जाएगा तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपके लिए दी गई आकृति निम्न में से कौन सी आकृति में निहित है यानी जो आपको ये आकृति दी गई है ये आपको ऑप्शन में से बतानी है कि किस फिगर में ये आकृति छुपी हुई है तो आंसर चूज कीजिए ऑप्शन आपके सामने हैं तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी जी हाँ फ्रेंड्स ये जो आकृति है ये इस प्रकार से आपके यहाँ पे इसमें ये आकृति दी गई है तो इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और यदि आप कमेंट करके बोलते हो तो नेक्स्ट वीडियो से मैं आपके लिए यहाँ पे टेन क्वेश्चंस यहाँ पे रख दूंगा यानी फाइव क्वेश्चंस और इंक्लूड कर देंगे पर वीडियो में तो आज के लिए तो आपका लास्ट क्वेश्चन है वेन डायग्राम आपको बताना है तो वेन डायग्राम है आपका समाज दोस्त और दुश्मन ये दी गई है इसके लिए आपको करेक्ट वेन डायग्राम बताना है तो वेन डायग्राम से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी देखिए फ्रेंड्स जो दोस्त हैं और जो दुश्मन है ये दोनों आपस में सिमिलरिटी नहीं है इनमें ये दोनों डिफरेंट चीज है अपोजिट चीज है जबकि जो ये दोनों हैं ये समाज में ही रहते हैं समाज के ही हिस्से हैं यानी इसे हम समाज में ही देखते हैं दोस्त भी और दुश्मन भी तो इस प्रकार से जो आपका वेन डायग्राम बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी समाज दोस्त और दुश्मन का तो फ्रेंड्स पांच में से आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट आंसर किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और यदि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं वीडियो जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं वो आपके लिए यूजफुल है हेल्पफुल है, है तो आप भी अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट कीजिए चैनल को ग्रो करने में यानी वीडियोज को मैक्सिमम जितना हो सके शेयर कीजिए तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत